मैं सर्वप्रथम तो आपसे ये बता दूं कि मेरे ऊपर अपेक्षाओं का बहुत भारी बोझ डाल दिया गया है। यही अपेक्षाएं हम बच्चों से जब करते हैं तो मुझे ये फील हो रहा है कि वो क्या फील करते होंगे जब हम उनसे ये कहते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, हम उसे ये कहते हैं कि तुझे पायलट बनना है, और हम जब उससे ये कहते हैं कि तुझे इंजीनियर बनना है। तो कुछ ऐसी अपेक्षाएं पिछले आधे घंटे से आपने मुझसे लगा रखी होगी, तो मैं ये कह दूं कि मैं कोई हिप्नोटाइज करने वाला वक्ता नहीं हूं। मैं कुछ साधारण सी छोटी छोटी आपसे बातें करूंगा। मैं बातें करूंगा हिमालय एजु हब की नींव कैसे तैयार हुई इसके ऊपर। मैं बातें करूंगा सीयूईटी है क्या, हिमालय एजु हब क्या करने वाला है, रूलेट क्या है, कलेट क्या है, आईमेट क्या है, इन मुद्दों के ऊपर। और मैं कुछ एक दो एक आपको कहानियां सुनाऊंगा। आज का दिन मेरे लिए अहम और बड़ा भाग्यशाली दिन है कि आप सबसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला। मैं तहे दिल से आभारी हूं इन सबसे, पहले तो इन छोटे छोटे बच्चों का जो इतने देर से धैर्य बना के रखे हुए, और यही धैर्य इनके आगामी जीवन का प्रतीक है कि ये कहां जाने वाले हैं। फिर मैं हमारे अतिथियों का जो हमारे एक बुलाए के ऊपर अपना पूरा समय दे के यहाँ आए हैं, मेरे परिवारजन जो गांव से आए हैं, मेरे और विद्यार्थी, मेरे छोटे भाई जो मैंने क्लास में एक बार कहा वो आए, उन सब का पुनः तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद एजुहब टीम का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं अपनी बात शुरुआत करूं हरिवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी फेमस कविता है। कविता क्या है, एक पूरी पुस्तक है मधुशाला, उसकी दो पंक्तियां मैं आपसे साझा करूंगा और फिर मैं अपनी बातें रखना शुरू करूंगा। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला, पा जाइएगा मधुशाला। तो मैं कुछ उन राहों की चर्चा करूंगा जिन पे चल के आप अपनी मधुशाला को, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को, अपने जीवन की खुशियों को जहां ढूंढ पाएंगे। मैं कुछ ऐसी ही चर्चाएं करूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है आज से लगभग 2 साल पहले मैं ओम के पास गया। ओम और हम दोनों कजिन हैं, हम घर पे बैठे, पहले हमने ओम के खेत की चर्चा की, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ हनुमानगढ़ और गंगानगर साइड से, तो हमारा जो पहला मोटिव होता है वो खेत की चर्चा होती है, क्योंकि हम मूलतः किसान परिवारों से हैं और हमारा जो आर्थिक आधार है घरों का वो खेती से ही चलता है। तो मैंने ओम से पूछा, भाई तेरे जो बाग इसका लगा रखे हैं ये पौधे गुलाब के, उनमें क्या चल रहा है? तो हम ऐसी चर्चाएं करने लग गए। तो मैं कह रहा ऐसा ही एक गुलाब अपने जयपुर में खिलाते हैं, कोशिश करते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में होगा। तो तू पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा जयपुर में, फिर तू दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया दिल्ली, तो ये गुलाब वाला काम तो अपने ऑनलाइन भी कर लेंगे, थोड़ा डील ही तो करना है लोगों को, वो वैसे डील कर लेंगे, चाचा जी घर हैं वो डील कर लेंगे, लेबर को डील ही तो करना है। तो जयपुर आ जा यार भाई, अपन कुछ नया करने की सोचते हैं। तो आज से 2 साल पहले एक ऐसे ही दीपावली का ही अवसर था, आज से कोई 10-15 दिन बाद का, कि औचक रूप से हमने ये प्लान किया। और मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसी साधारण सी की गई बात हम सबको यहाँ इकट्ठा कर देगी। तो ये मैंने इसका पृष्ठभूमि बताई कि ये संस्थान खड़ा कैसे हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा सीयूटी के बारे में बताऊंगा। पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपको किसी भी देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो नामी विश्वविद्यालय है, चाहे उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया मिलिया हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो,
तो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहां से अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, बीए करनी है, तो उसका एक ही रास्ता है और वो सीयूटी होके निकलता है। आपको अगर वहां एडमिशन लेना है, चाहे आप बीए कर रहे हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना ही होगा। उसके बाद देश के जितने भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, चाहे उनको टाटा चलाता हो, चाहे उनको अंबानी चलाता हो और चाहे उनको अजीम प्रेम जी चलाते हो, उन सब विश्वविद्यालयों का रास्ता भी सीयूटी होके ही जाता है। तो जिनको इस फील्ड में आना है, जिनको ग्रेजुएशन करनी है और अपने सपनों को नया रूप और नई धार देनी है, कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर जिनको हमने पकड़ रखा है उनको छोड़ के कुछ नए क्षेत्र खोजने हैं, तो आपको उन विश्वविद्यालयों में जाना होगा। वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, वो आपको नौकरी की तो गारंटी नहीं देते, लेकिन एक अच्छे जागरूक नागरिक होने की गारंटी जरूर देते हैं। आपके व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण कर देते हैं कि फिर आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आप पीछे नहीं रहेंगे। मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि ये विश्वविद्यालय करते क्या है। मैं भी गांव से उठ के आया और मुझे थोड़ा सा मौका ये मिला कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। मैं सिर्फ यही कहूं कि अगर मैं गांव के किसी कॉलेज में पढ़ा होता उसकी बजाय मैं पढ़ने के लिए जयपुर आ गया तो मैं आज आपके सामने हूं, और अगर आप डीयू में चले गए तो हो सकता है यही बातें आप कल को दिल्ली में कह रहे होंगे, या हो सकता है कल को ये बात हो लंदन में बोले, या हो सकता है आप यही बातें वाशिंगटन में बोले। तो आप सीयूटी की तैयारी जब करें तो ये सोच लें कि आप देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, जहां से इस देश के नीति नियंता निकलते हैं, नीति निर्माता निकलते हैं, इस देश को चलाने वाले निकलते हैं। दूसरा कलेट, कलेट के माध्यम से आप जितने भी एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जो एलएलबी करवाती हैं, उसके बाद एलएलएम करवाती है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करवाती है, उनके लिए है। तीसरा है रूलेट, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो लॉ डिपार्टमेंट है इस टाइम राजस्थान यूनिवर्सिटी का टॉप डिपार्टमेंट है, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। उसके बाद है आईपी मेट, अगर आपको मैनेजमेंट में जाना है तो आपको आईपी मेट का एग्जाम देना होगा। तो अगर आप अच्छा वकील बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे किसी भी संस्थान के एमडी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आईपी मेट है, आपके लिए रूलेट है, आपके लिए कलेट है। और अगर आप अन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रोफेसर बने, आप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता बने, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बने, तो इन सब का रास्ता फिर सीयूटी से होके जाता है। अब ये सारे एग्जाम एक कॉमन पैटर्न के ऊपर आधारित है। आपको रीजनिंग करनी होती है, आपको मैथ्स करनी होती है, आपको रेगुलर जीके पढ़ना होता है, और आपको अपने अपने विषय पढ़ने होते हैं जो आपके पास ट्वेल्थ में है। बस इन्हीं के माध्यम से आप इन सब एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। कुछ नया नहीं पढ़ना होता, बस रेगुलर पढ़ना होता है। तो एक जो पेरेंट्स बैठे हैं वो और जो बच्चे बैठे हैं, थोड़ी सी एक आदत ये डेवलप कर लें कि डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ना शुरू कर दें, कोई एक छोटी बुक ले आए फिर बड़ी बुक ले आए और रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपका किसी भी अच्छी जगह पर सिलेक्शन हो जाएगा। हिमालय जो हमने यही कुछ सोच के और कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं बड़े साइंटिफिक तरीके से, उसमें एक प्रोग्राम है फाउंडेशन का, हम 11th और 12th के दोनों साल के बच्चों को शुरुआत से ही प्रिपेयर करवाते हैं कि आप कैसे सीयूटी को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप कलेक्ट करेंगे, कैसे आप रूलेट को क्रैक करेंगे। इस सब के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको डेली 2 से 3 घंटे देने होते हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस ये आता है आपके पैटर्न में कि आप जब स्कूल्स में पढ़ते हैं तो उन स्कूल्स में आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करवाए जाते हैं। और मैं जिन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जिसकी तैयारी हिमालय एजु हब करवा रहा है, वो MCQs बेस्ड है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पढ़ने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना होगा, थोड़े से फैक्ट्स पहले से ज़्यादा याद करने होंगे, तथ्य थोड़े से ज़्यादा याद करने होंगे, मुद्दों की समझ थोड़ी गहराई के साथ करनी होगी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन याद करते हैं तो 10 में से 5 कर लेते हैं तो पास हो जाते हैं, इसमें तो आपको लाइन टू लाइन हर चीज समझनी होगी। बस हिमालय एजु हमने यही कुछ सोच के और बड़े मनोवैज्ञानिक गहनता के साथ और बड़े साइंटिफिक पैटर्न के ऊपर एक पूरा शेड्यूल तैयार किया है, एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस तैयार किया है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो जो भी बच्चे 11th में हैं, जो बच्चे 12th में हैं,
वो फाउंडेशन भी कर सकते हैं। वो हम मार्च से लेके जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे ट्वेल्थ के, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, उसके बाद आपके पास 2 महीने होंगे सीयूटी देने के लिए, क्लेट और रूलेट देने के लिए। तो मार्च के बाद आप फ्री होके भी ट्वेल्थ वाले बच्चे आप जुड़ सकते हैं हिमालय एजु हब से। आपको 2 महीने में टेस्ट सीरीज के माध्यम से, रेगुलर क्लासेस के माध्यम से आपकी तैयारी को पूरी धार दे दी जाएगी, पूरी शार्प कर दी जाएगी। अब देखिए भविष्य क्या है, मैं ये बताऊं। अभी सीयूटी के बारे में कम जानते हैं, लेकिन पहली बार, तीसरा साल है पहली बार इसके 8 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। पिछले साल इसके 15 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इस बार हम ये मान रहे हैं कि ये आंकड़ा लगभग 25 लाख के आसपास जाएगा। अगर इन 25 लाख बच्चों में आप अपना वजूद ढूंढना चाहते हैं तो आज तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। आप पढ़ते जाएं, कुछ विशिष्ट नहीं पढ़ना, आपकी जो ट्वेल्थ की बुक्स है वही पढ़नी है, बस उनको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा। तो मैंने आपको सीयूटी, क्लैट इन सब के बारे में बताया। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार कोई नया मकान बन रहा था, कोई कॉलोनी डेवलप हो रही थी। उस मकान के आसपास चूंकि बहुत सारी खाली जगह थी, तो उस कॉलोनी के बहुत सारे बच्चे वहां खेलने के लिए आते थे। और चूंकि वहां बच्चे आते थे, तो एक बुजुर्ग थे जिनका टाइम पास नहीं होता था, वो भी उनको देखने के लिए आ जाते थे कि बच्चे खेल क्या खेलते हैं। तो वो बच्चे क्या करते, वो रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेलते। एक बच्चा सबसे आगे खड़ा हो जाता, पीछे वाला उसका शर्ट पीछे से पकड़ता, फिर उसके पीछे वाला इससे पीछा शर्ट पकड़ता, और ये पूरे एक इंजन से लेके और गार्ड के डब्बे तक सारे सेट हो जाते, और फिर वो गोल गोल घूमते हुए खेलते। अब वो जब भी खेल चलता तो वो बूढ़े आदमी जो डेली देखने के लिए आते थे, वो क्या देखते कि एक बच्चा है वो हमेशा ही पीछे वाला गार्ड का डिब्बा बनता है। वो न तो कभी आगे आगे लगता है और न कभी बीच में लगता है। तो इसका कारण क्या है, हम इसी की पर चर्चा करेंगे। अब चूंकि वो सारे बच्चे अपने रोटेट होते रहते हैं, जो बच्चा पहले राउंड में आगे आगे इंजन बना था, वो बाद में बीच में जाके डिब्बा बनेगा, और जो डिब्बा बना है वो बाद में जैसे मौका आएगा तो क्या बनेगा, इंजन बनेगा, और वो रेलगाड़ी रेलगाड़ी खेलेंगे। अब एक बच्चा मैंने कहा वो न तो कभी इंजन बना और न ही वो कभी डिब्बा बना, वो हमेशा ही पीछे पीछे वाला क्या बना, गार्ड का डिब्बा बना। तो वो बड़े उससे हुए प्रभावित कि यार तू हमेशा ही यहाँ क्यों आता है, इस पीछे पीछे वाले स्थान पे क्यों आता है। वो बोले कि आपको ज्यादा मेरे प्रति सिंपैथी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आंखों में आंसू नहीं लाएं क्योंकि इससे मैं कमजोर हो जाऊंगा। आप ये देखिए कि एक गेम चल रहा है और इस गेम की एसेंशियल शर्त ये है, प्राथमिक शर्त ये है कि इसमें जो भी आगे आएगा उसके शर्ट पहना हुआ होना चाहिए ताकि पीछे वाला बच्चा उसकी शर्ट पकड़ सके। क्योंकि मैं इस कॉलोनी का बच्चा नहीं हूँ, मेरे बाप माँ बाप है वो यहाँ नींव खोदने का काम करते हैं, वो मजदूर है इस मकान के, तो हम मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है, शर्ट नहीं है तो मैं आगे लगूंगा तो मेरे शर्ट पकड़ेगा कौन, क्योंकि मेरे पास शर्ट है ही नहीं, तो मैं हमेशा ही कौन सा डिब्बा बनता हूँ, गार्ड का डिब्बा बनता हूँ। तो क्या बेटा तू कहना क्या चाह रहा है, मुझे ये बता कि देखिए मैं वृद्ध पुरुष में ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना ही मेरे पास अभाव होगा लेकिन उसके बावजूद मैं इस गाड़ी का क्या हूँ, हिस्सा हूँ, मैंने अपने आप को खेल से बाहर नहीं किया है। अब ये सारी स्टोरी ये बताती है कि आपकी स्थितियां चाहे कुछ ही हो, आप ये कहें कि मुझे कम याद होता है, आप ये कहें कि मुझे कोई चीज 10 बार पढ़नी पड़ती है, आप ये कहें कि मेरी लिखाई बहुत खराब है, आप ये कहें कि मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उस खेल में शामिल है या नहीं है। तो आपकी कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, आप हमेशा ही क्या रहें, खेल में शामिल रहें। मेरा आप सबसे जो भी बैठे हैं पेरेंट्स उन बच्चों को भी यही कहें कि आप खेलें, हार और जीत तो चलती ही रहती है, बस आप रेलगाड़ी के साथ जुड़े रहें, खेल को खेलते रहें, एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो मैं आपसे यही पूछूं, क्या उस रेलगाड़ी जब अपनी मंजिल पे स्टेशन पे पहुंचती है तो अकेला इंजन पहुंचता है या गार्ड का डिब्बा भी पहुंचता है? वो गार्ड का डिब्बा भी पहुंचता है। बस आप अगर रेलगाड़ी से अलग हो गए तब आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो कुल मिला के यही है कि आप संघर्ष जारी रखें जीवन में, आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। अंत में मैं एक 2 लाइनें बोलूं फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अक्सर यही बोलता हूं
क्योंकि ये मेरे ऊपर भी अक्सर लागू होती है। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ जितनी मेरी हाइप क्रिएट कर दी गई है। मैं यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें शिक्षक हूँ और राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ। यहाँ एक संस्थान है छोटी सी कलाम अकेडमी, वहाँ भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे बराबर के साथी हैं, हम आपस में चर्चा करते करते पढ़ लेते हैं। तो मैं सबके लिए यही कहूँगा कि रफ्ता रफ्ता दिन बीता धज्जी धज्जी रात मिली, रफ्ता रफ्ता दिन बीता धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आंचल को जितना ज्यादा फैलाएंगे, आपको झोली में चीजें उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आप बड़े सपने देखें, अपनी आंचल को फैला के रखें, आपको सौगात उतनी ही बड़ी मिलेगी, आपको सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। मुझे आज भी याद है, मैं साथी मनीष से यही चर्चा कर रहा था कि भाई मैं पहली बार जयपुर आया पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ने के बाद जब मैं छोड़ के चला गया तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म को शेयर कर पाऊंगा। लेकिन एक जरूर मेरा सपना था कि मैं अपनी जो झोली है उसको फैलाने में कसर नहीं छोड़ूंगा और उसके लिए प्रयासों में भी कसर नहीं छोड़ूंगा। परिणाम ये है कि आज मैं आपके सामने हूं और आप मेरे सामने। तो आप भी बड़े सपने देखें, कोई सपना ऐसा नहीं है जो असंभव हो। मैं जब खेत से चल के यहाँ आ सकता हूँ तो आप तो पहले ही मेरे से हजार गुना अच्छी स्थिति में है, आप तो कहीं और भी जा सकते हैं। तो आप बड़े सपने देखें, उनको जीने के लिए प्रयास करें, आपके सारे सपने चरितार्थ होंगे। आपने मुझे मनोयोग और ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। पूरा हिमालय एजू हब, बड़े भाई यादव साहब और छोटा भाई ओम जो इसके संचालक हैं, मैं तो इनके साथ कभी कभी मिलने आ जाता हूं, हम चर्चाएं कर लेते हैं कि ये कहते हैं आप आते हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें पता चल जाती है, कुछ मैं इनसे सीख लेता हूं, कुछ मुझे ये सिखा देते हैं और अब ये कारवां चल रहा है। आप सब हमसे जुड़े, आप आए, आप सबका हार्टली थैंक्स, तहे दिल से धन्यवाद। इससे ज़्यादा मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है। आप जाते वक्त जो भी मेरे विशेष रहे वो मिल के जाएँ। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।